HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। HR News में आपका स्वागत है, मैं मोहनलाल आपको कुछ खबरों से अपडेट कर देते हैं। आज क्या क्या घटनाक्रम रहा, सबसे पहले हम बात करेंगे मीरपुर यूनिवर्सिटी की, यानी कि आज इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जो है अपनी मांगों को लेकर के ताला जड़ दिया और वहां मुख्यमंत्री का पुतला भी फूका, जमकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों की सीधी सीधी मांग थी कि 2019 में रिवैल्यूएशन का कोई रिजल्ट नहीं आया और जो परीक्षाएं हुई थी उनके कुछ कोर्सेज को छोड़ करके बाकियों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो जाहिर है इन्होंने रिजल्ट की मांग को लेकर के आज वहां प्रदर्शन किया। लगातार इससे पहले भी वो प्रदर्शन वहां करते रहे हैं, लगातार मांग उठाते रहे हैं। और आपको बता दें चौथे सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम 2019 में आया था, जिसमें काफी त्रुटियां होने के कारण उन विद्यार्थियों को दोबारा पेपर चेक करके रिजल्ट देने की बात कही गई थी, उसको लेकर के आज इन्होंने जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक है विनय यादव, उनके नेतृत्व में IGU के अंदर यानी कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में ताला जड़ा और वहां रोष प्रदर्शन किया। आप भी देखिए तस्वीरों में क्या कुछ हुआ। दूसरी खबर से अपडेट कर देते हैं। आपको बता दें रेवाड़ी के जन स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी हैं वो पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर के रोष प्रदर्शन हुआ कर रहे हैं। आज छठा दिन था, आज भी उन्होंने जो कार्य अधीक्षक अभियंता है उनके उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी विभिन्न मांगों को रखा, लेकिन सीधा सीधा उन लोगों का कहना है कि जो अधिकारी है उन्होंने अपनी हठधर्मी अपनाई हुई है और उनकी किसी भी मांग का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर के उन्होंने वहां जन स्वास्थ्य विभाग में जमकर नारेबाजी की, शासन को जमकर उन्होंने कोसा, यानी कि लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से इनकी जो है बातों को सुना जाए, लेकिन सरकार उनकी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी जो है उच्च अधिकारी वो इनकी मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचा रहे, उसको लेकर के काफी रोष प्रदर्शन हुआ, वो भी आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अहीरवाल के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास स्थान पर,
जहां उनकी माताजी के निधन के बाद लगातार उनको सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में के प्रदेश भर के अलग अलग नेता आ रहे हैं और कैप्टन अजय सिंह यादव को सांत्वना दे रहे हैं। आपको बता दें प्रदेश भर के तमाम दिग्गज नेता, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, या प्रदेश के अन्य इलाकों से नेता हो, लगातार जो यहां आ रहे हैं और कैप्टन अजय सिंह यादव को सांत्वना दे रहे हैं।